नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन, और आज की इस वीडियो में क्लास 12th की हिंदी हम पढ़ने वाले हैं। और आपके लिए इन्फो है कि ई बुक अवेलेबल है आपकी पोल साइंस की, फिजिकल एजुकेशन की और ज्योग्राफी की, जो आपकी फर्स्ट बुक है एमसीक्यू की, वो आपकी अवेलेबल है। तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ पर इजीली आप वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको वहाँ पर गिवन है। और बात की जाए आज जो हम कवि परिचय पढ़ने वाले हैं, तो कवि परिचय की आपकी ये पांचवी वीडियो है, ठीक है। पांचवा कवि परिचय आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जो कि आज के जो हमारे कवि हैं उनका नाम है विष्णु खरे जी, ठीक है। और बात की जाए इनके जीवन के बारे में, आज थोड़ी हम जीवन के बारे में देखेंगे, थोड़ा इनका साहित्यिक परिचय देखेंगे और इनकी रचनाओं के बारे में देखेंगे और इनकी भाषा शैली के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले एक बार नाम दोबारा बता दूं आपको, विष्णु खरे जी है इनका नाम है। और 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता है कवि परिचय का। और एक बात और बता दूं, जब मैंने आपको स्टार्ट करवाया था कवि परिचय, तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी आधुनिक कवि हैं उनमें से 2 कवियों को छोड़कर बाकी सबका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है, और उन 2 कवियों में से एक ये भी हैं। एक ये विष्णु खरे जी और एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, उनका जन्म बंगाल में था और इनका मध्य प्रदेश में। इन 2 को छोड़ के सारे आधुनिक कवि जितने भी आपको मैं बताऊंगा या जितने आपको बताए हैं, उनका जन्म उत्तर प्रदेश में है। तो आपको जन्म जो है वो स्थान आसानी से याद रहेगा। बात की जाए इनकी शिक्षा की, भाई एक बार इनका जन्म का सन देख लीजिए, 1940 में इनका जन्म हुआ था और मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि जी नहीं, वो जैसे जयशंकर प्रसाद जी का मैंने आपको जन्म बताया था वहाँ पे 1889 में, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे वहाँ पर लिख रहे हैं, मतलब बहुत सारे नहीं, एक दो शायद मैंने कमेंट वहाँ पर रीड किए थे, और वहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ था कि जी नहीं, ये तो इनका जन्म 1890 में है। तो जब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं कुछ सोर्स लेके आपको बता रहा हूँ, मैं एनसीआरटी का पूरा यूज कर रहा हूँ, एनसीआरटी के अकॉर्डिंग आपको जो भी बताऊंगा आपको करेक्ट बताऊंगा। और आपको जब मैंने उसमें वीडियो में मैंने आपको मेंशन भी किया था कि ये सपोर्टिंग मटेरियल के अंदर 1888 लिखा हुआ है, आपको दोनों में से एनसीआरटी पर ज्यादा आपको विश्वास करना है, क्योंकि सपोर्टिंग मटेरियल में मिसप्रिंट हो सकता है, पर एनसीआरटी बहुत बड़े लेवल की बुक है। उसके अलावा 1888 की बात हो गई, ठीक है, 1889 एनसीआरटी में, भाई वो बच्चा तो अलग से कमेंट में 1890 बता रहा है। जब मैंने उससे पूछा कि सोर्स क्या है आपके पास, कहाँ से आपने 1890 आपने देखा है, तो उसका अभी तक कोई रिप्लाई आया नहीं है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि आपको जो भी यहाँ पर बताया जा रहा है आपको ट्रस्ट रखना है और आपको एनसीआरटी पर भरोसा रखना है, ठीक है। उसके अलावा आपको कुछ भी यहाँ पर ना फालतू बताया जाएगा, ना कुछ एक्स्ट्रा, ना कुछ गलत। तो अब आगे बढ़ते हैं, बात की जाए शिक्षा की इनकी, तो इंदौर से इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। 1963 में इन्होंने अपनी एमए पूरी की थी अंग्रेजी साहित्य में, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर में इन्होंने अपनी एमए पूरी की थी, और क्रिश्चियन कॉलेज से ये पढ़े थे। तो ये बात की जाए इनकी शिक्षा की जो मैंने आपको बताई। अब बात की जाए इन्होंने कार्य कौन कौन से किए हैं, ठीक है, अपने जीवन में क्या क्या कार्य इन्होंने किए हैं। तो भाई मध्य प्रदेश में और दिल्ली में जो कॉलेज है, महाविद्यालय मतलब इंग्लिश में कॉलेज मतलब जिसे हम कहते हैं, महाविद्यालयों में बहुत सारे कॉलेजों में इन्होंने पढ़ाया है, ठीक है, प्रोफेसर रहे हैं हिंदी के, और विदेशी कविताओं का इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है, ये काम किया है कि इन्होंने, और नवभारत टाइम्स में ये प्रभारी कार्यकारी संपादक रहे हैं, ठीक है, एडिटर का काम किया है इन्होंने नवभारत टाइम्स में। तो ये सब इन्होंने कुछ काम किए हैं। आपको एक चीज भी कॉमन दिख रही होगी, जो ज्यादा पढ़े लिखे जो कवि हैं वो संपादन कार्य जरूर कर रहे हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं वो प्रोफेसर भी रह चुके हैं। तो आपको ना लिंक बनाते हुए चलना है और दिमाग में आपको याद करते हुए चलना है, ये फैक्ट ज्यादा बड़े नहीं है जो आपको मैं बता रहा हूँ। और रचनाओं की बात की जाए इन्होंने क्या क्या रचनाएं की हैं, तो भाई इनकी जो कविता संग्रह है वहां से मैं आपको इनकी रचनाएं बता देता हूँ। पहली रचना है जो इन्होंने लिखी है, खुद अपनी आंख से, ये नाम है, ठीक है, कविता का। और दूसरा है पिछला बाकी, ये भी कविता का नाम है, और सबकी आवाज के पर्दे में, ये 3 नाम हैं आपको याद रखने हैं, रचनाएं हैं इनकी, ठीक है, खुद अपनी आंख से, पिछला बाकी, सबकी आवाज के पर्दे में, 3 है ये। आप इसको ना ऐसा कर सकते हैं, अलग अलग छोड़ के आप इसको एक सेंटेंस बना लीजिए, ट्रिक बता रहा हूँ, दिमाग में याद रखे आपको याद रहेगी। आप अलग अलग मत याद कीजिए, इसको आप एक सेंटेंस बना लीजिए पूरा, जैसे खुद अपनी आंख से, पिछला बाकी, सबकी आवाज के पर्दे में, ये सेंटेंस अगर आपको याद रहेगा तो आप कभी भी इसको, आप इनकी रचनाओं को आप 3 पॉइंटों में लिख सकते हैं, जो 3 टाइटल है, ठीक है। अब आगे चलते हैं,
बात की जाए इनके साहित्यिक विशेषताएं कि जब ये साहित्य में लिखते हैं तो ज्यादातर किसके ऊपर ये ज्यादातर इनकी कविताएं होती हैं, तो भाई विष्णु खरे जो हैं उनके साहित्य में आधुनिक जीवन और उनसे जुड़ी समस्याओं को देखने को मिलता है। जब ये अपनी कविताएं लिखते हैं तो उनमें क्या नजर आता है, किस पर ये लिखते हैं, जो आधुनिक जीवन है आज का, ठीक है, मॉडर्न जो आज का जीवन है उसमें क्या क्या समस्याएं हैं लोगों की, वो देखने को मिलता है इनकी कविताओं में। और ये अपने काव्य द्वारा अमानवीय परिस्थितियों के विरुद्ध खड़े होते हैं, ठीक है, मतलब जो ऐसी परिस्थितियां जो अमानवीय हैं, मतलब जिनमें मतलब ऐसे लोग भी, जैसे मैंने आपको बताया था एक कम, ठीक है, एक कम जो इनकी कविता आपको पढ़ाई थी, वहां पर आपने देखा होगा कितने मतलब लोग हैं जो मतलब जिन्होंने गलत तरीके अपनाकर पैसे कमाए, ठीक है, आजादी के बाद, और ये सब अमानवीय है, तो इनके विरुद्ध खड़े रहते हैं, ये ईमानदारी की बात करते हैं हमेशा, ठीक है, नैतिकता की बात करते हैं। और उनका काव्य जो है स्वतंत्रता के पश्चात भारत का दर्पण है, इन्होंने जो कविताएं ज्यादातर लिखी हैं वो आजाद भारत, जब आजादी के बाद का भारत है, वो उसकी झलक देखने को मिलती है इनकी कविताओं में। जैसा कि एक कम आप पढ़ेंगे अगर कविता, तो आपको बहुत अच्छे से वो समझ में आ जाएगी। और देश समाज की प्रगति की बात करते हैं, तो ये तो इनकी साहित्य की विशेषता थी। बात की जाए इनको पुरस्कार कौन कौन सा मिला है, एक तो भाई रघुवीर सहाय सम्मान मिला है इनको पुरस्कार, शिखर सम्मान पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त सम्मान इन्हें मिला है, फिनलैंड जो देश है एक वहां का राष्ट्रीय सम्मान इन्हें मिला है, और हिंदी अकादमी दिल्ली का साहित्यकार सम्मान इन्हें मिला है। तो ये कुछ पुरस्कार थे जो इन्होंने अपने जीवन में ग्रहण किए। बात की जाए इनकी भाषा शैली की, कैसी इनकी भाषा शैली है, तो सीधी एवं स्पष्ट भाषा है, जो भी लिखते हैं आसानी से मतलब आप पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं, छंद मुक्त इनकी कविता होती है और मुहावरों का इस्तेमाल है। तो ये इनकी भाषा शैली थी, और आज के हमारे कवि परिचय में इतना ही, जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट कवि परिचय के साथ। और वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में बताते रहिए कि वीडियोस आपको कैसी लग रही है, कि आपको मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताया जरूर करो ताकि मोटिवेशन मिलता रहे हमें भी और आपको भी। और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में वीडियो को। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।